بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الاسم إما مذكر وإما مؤنث، فالمؤنث ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا، والمذكر ما بخلافه. وعلامة التأنيث ثلاثة: التاء كطلحة، والألف المقصورة كحبلى، والألف الممدودة كحمراء، والمقدرة إنما هو التاء فقط كأرز ودار بدليل قريظة ودويرة. ثم المؤنث على قسمين: حقيقي وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان كإمرأة وناقة، ولفظي وهو ما بخلافه كظلمة وعين. وقد عرفت أحكام الفعل إذا أسند إلى المؤنث فلا نعيدها. इस फसल में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान किया है। अल इस्मु इम्मा मुज़क्करुन व इम्मा मुअन्नसुन, इस्म या तो मुज़क्कर होता है, व इम्मा मुअन्नसुन या मुअन्नस होता है। फल मुअन्नसु मा फीही अलामतु तानीसी, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने मुअन्नस की तारीफ़ की है। मुअन्नस की तारीफ की है कि मुअन्नस वो इस्म कहलाता है जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। मुअन्नस वो इस्म कहलाता है जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। मुज़क्कर वो इस्म कहलाता है जिसमें अलामत तानीस मौजूद ना हो, जिसमें अलामत तानीस मौजूद ना हो। फिर अलामत तानीस चाहे लफ्ज़न हो या तकदीरन, चाहे लफ्ज़न हो या तकदीरन। फल मुअन्नस मा फीही अलामत तानीस, मुअन्नस वो है जिसमें अलामत तानीस हो। मुअन्नस वो है जिसमें अलामत तानीस हो, लफ्ज़न लफ्ज़ों के अतबार से। फिर अलामत तानीस लफ्ज़ी की भी दो किस्में होती हैं। अलामत तानीस लफ्ज़ी की भी दो किस्में होती हैं, एक होता है हकीकी और एक होता है हुक्मी। एक होता है हकीकी और एक होता है हुक्मी। हकीकी जैसे इमरातुल, जैसे इमरातुल गोलता अलामत तानीस है और हकीकतन लफ्ज़ों में मौजूद है। हुक्मी का मतलब यह है कि हकीकतन तानीस की अलामत नहीं है, लेकिन कोई और हर्फ है जो तानीस की अलामत के कायम मकाम, जो तानीस की अलामत के कायम मकाम है, जैसे अकरब, जैसे अकरब माने बिच्छू। तो इसका जो बा है, इसका जो बा है वो अलामत तानीस ताके कायम मकाम, ताके कायम है तो है नहीं अलामत तानीस, तो यहाँ पर कोई है नहीं अकरब में, लेकिन बा जो है ये ताके कायम मकाम है, ये है अलामत तानीस हुक्मी। ये क्या है? अलामत तानीस हुक्मी है, यानी चौथा जो हर्फ है, चौथा जो हर्फ है बा, वो ताए तानीस के कायम मकाम है। फल मुअन्नस मा फीही अलामत तानीसी, मुअन्नस वो है जिसमें अलामत तानीस हो लफ्ज़ों के अतबार से, औ तकदीरन या तकदीरी हो। अलामत तानीस लफ्ज़ों में ना हो बल्कि तकदीरी हो, जैसे आइनुन में, जैसे आइनुन में अलामत तानीस लफ्ज़ों में तो है नहीं लेकिन तकदीरन मौजूद है। और तकदीरन मौजूद है इसकी दलील क्या है? चूँकि इसकी तस्वीर आती है ओयना, क्या तस्वीर आती है ओयना, और तस्वीर में इस्म की असली हालत ज़ाहिर होती है, तो इससे मालूम हुआ कि अलामत तानीस यहाँ पर है। वल मुज़क्करु मा बिखिलाफ़ी, और मुज़क्कर वो है जो इसके खिलाफ, इसके खिलाफ हो, यानी अलामत तानीस उसके अंदर मौजूद ना हो। आप यहाँ पर गौर करें, मुसन्निफ़ ने जब इस्म की तकसीम की है तो कहा है इम्मा मुज़क्करुन व इम्मा मुअन्नस, मुज़क्कर को पहले ज़िक्र किया है और मुअन्नस को बाद में ज़िक्र किया है। और फिर जब तारीफ़ की है तो तारीफ़ पहले मुअन्नस की है, फल मुअन्नस मा फीही अलामतु तानीस, उसके बाद कहा वल मुज़क्कर मा बिखिलाफ़ी। तो तकसीम में मुज़क्कर को मुकद्दम किया है और तारीफ़ में मुअन्नस को, तारीफ़ में मुअन्नस को मुकद्दम किया है, चूँकि तारीफ़ औरतें पसंद करती है ना, तारीफ़ें औरतें ही पसंद करती है, इसलिए तारीफ़ में शायद मुकद्दम कर दिया इन्होंने। ये जानते होंगे ना औरतों की जो खसलत है, उसको जानते होंगे। तकसीम में मुज़क्कर को मुकद्दम करने की वजह दरअसल ये है कि तज़किर और तानीस में तज़किर जो है वो असल, तज़किर और तानीस में तज़किर यानी मुज़क्कर होना ये असल होता है किसी भी लफ्ज़ में, और मुअन्नस होना उसकी फरा होती है, मुअन्नस होना उसकी फरा होती है, और असल जो होता है वो मुकद्दम होता है, असल मुकद्दम होता है, इसलिए मुज़क्कर को मुकद्दम किया है। फिर तारीफ़ जब की है मुसन्निफ ने तो मुअन्नस को मुकद्दम किया है और मुज़क्कर को मुअख्खर किया। इसकी वजह यह है कि मुअन्नस की तारीफ़ है वजूदी,
मुअन्नस की तारीफ है वजूदी और मुजक्कर की तारीफ है अदमी, मुजक्कर की तारीफ है अदमी और वजूद जो होता है वो अदम पर मुकद्दम होता है, वजूद अदम पर। मुअन्नस की तारीफ वजूदी क्यों है? क्योंकि मुअन्नस की तारीफ क्या? जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। और मुअन्नस की मुजक्कर की तारीफ अदमी है इसलिए कि उसकी तारीफ है जिसमें अलामत तानीस मौजूद ना हो, मौजूद ना हो। तो इसके अंदर अदम आ गया ना होना और उसके अंदर वजूद आ गया होना, और वजूद जो होता है वो अदम पर मुकद्दम होता है। इसलिए मुसन्निफ ने मुअन्नस की तारीफ पहले जिक्र की और मुजक्कर की तारीफ बाद में जिक्र की। फसल अल इस्म इम्मा मुजक्करुन व इम्मा मुअन्नस, इस्म या तो मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है। बस मुअन्नस वो है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों के अतबार से हो या तकदीरी हो, और मुजक्कर वो है जो इसके खिलाफ हो यानी जिसमें अलामत तानीस मौजूद ही ना। वअलामत तानीस सलासतुन, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अलामत तानीस तीन है, अलामत तानीस तीन, तीन अलामत मुसन्निफ ने जिक्र की है। अत्ता, नंबर एक ता गोल ता, कौन सी गोल ता? जो वक्फ की हालत में हा बन जाती है, कतलहा जैसे के तलहा। वल अलिफुल मकसूरा, और दूसरे अलिफ मकसूरा, और तीसरे अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा की मिसाल हुबला, अलिफ ममदूदा की मिसाल हमरा। अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा की तारीफ तुमने मुनसरिफ गैर मुनसरिफ के बयान में पढ़ ली है, यहाँ पर बताने की कतान ज़रूरत नहीं है। अब आप समझिए, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर बताया कि अलामत तानीस लफ्ज़न हो या तकदीरन हो, अलामत तानीस लफ्ज़न हो या तकदीरन हो, ये बात कही। वहाँ पर ये बताया नहीं कौन सी अलामत मुकद्दर होगी कौन सी नहीं, तो इससे एक शुबा पैदा हो सकता है कि मुसन्निफ जब कह रहे हैं कि अलामत तानीस लफ्ज़ी भी होती है और मुकद्दर भी होती है, अलामत तानीस लफ्ज़ों में भी होती है और मुकद्दर भी होती है, तो हो सकता है कि तीनों ही अलामतें मुकद्दर होती, तीनों ही अलामतें मुकद्दर होती हो। तो मुसन्निफ ने इसलिए आगे उसकी वजाहत कर दी है, वल मुकद्दरतु इन्नमा हुवत्ताउ फ़क़त, कि मुकद्दर जो होती है वो सिर्फ ता होती है, मुकद्दर जो होती है वो सिर्फ ता होती है। अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा ये मुकद्दर नहीं, ये मुकद्दर नहीं होते। वल मुकद्दरतु इन्नमा हुवत्ताउ फ़क़त, और मुकद्दर सिर्फ ता होती है, जैसा कि अर्जुन और दारुन इनके अंदर ताए मुकद्दरा मौजूद है। दलील क्या है? बिदलीली उरैज़तिन व दुवैरतिन, दलील उरैज़तिन और दुवैरतिन, यानी इनकी जो तस्गीर आती है दारुन की तस्गीर दुवैरा, अर्जुन की तस्गीर उरैज़ा, और तस्गीर में इसकी असली हालत जो होती है वो जाहिर होती है। तो यहाँ पर तस्गीर में ता आ रही है, इससे मालूम हुआ कि दारुन के अंदर ता मौजूद है, अगरचे लफ्ज़ों में नहीं है लेकिन मुकद्दर है। ऐसे ही अर्जुन के अंदर ता मौजूद है, अगरचे लफ्ज़ों में नहीं है लेकिन मुकद्दर है। सुम्मल मुअन्नस अला क़िस्मैन, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह ने फिर मुअन्नस की तकसीम की है। मुअन्नस की तुम जानते हो दो किस्में हैं, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस हकीकी वो है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर हो, मुअन्नस गैर हकीकी वो है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर ना हो। मुअन्नस गैर हकीकी को मुअन्नस लफ्ज़ी भी कहते हैं, मुअन्नस लफ्ज़ी भी कहते हैं। सुम्मल मुअन्नस अला क़िस्मैनि, फिर मुअन्नस दो किस्मों पर है। हकीकियुन ऐ अहदुहा हकीकियुन, उनमें से एक हकीकी का मतलब यह कि पैदाइशी तौर पर मुअन्नस, पैदाइशी तौर पर मुअन्नस हो, और वो है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर हो, जैसे इमरातुन और नाकतुन, और लफ्ज़ी वो है जिसके जो इसके बरखिलाफ यानी उसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर ना हो, जैसे कि ज़ुल्मतुन और आईन, ज़ुल्मतुन और आईन। ये दो मिसालें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दी हैं, ज़ुल्मतुन इसके अंदर ता है और हकीकत लफ्ज़ों में मौजूद है, आईन के अंदर ता तो है लेकिन हकीकत लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है बल्कि मुकद्दर, बल्कि मुकद्दर है। दो किस्में तुमने और पढ़ी होगी मुअन्नस की, एक मुअन्नस समाई एक मुअन्नस कयासी, पढ़िए मुअन्नस कयासी की तारीफ क्या है। मुअन्नस समाई जिसका मुअन्नस होना अहले अरब से सुनने पर मौकूफ हो, अहले अरब से सुनने पर मौकूफ हो, यानी अहले अरब ने किसी कलिमे को
मुअन्नस पढ़ा है, किसी कलिमे को मुअन्नस पढ़ा है तो हम भी उसको मुअन्नस पढ़ते हैं, और किसी कलिमे को मुअन्नस नहीं पढ़ा तो हम भी मुअन्नस नहीं पढ़ते। ये मुअन्नस है समाई, यही तो है जिसके बनाने का कोई बाज़ाबता ज़ाबता नहीं हो, बस अहले अरब से जिन कलिमात के मुतालिक सुना गया है वो मुअन्नस पढ़े जा रहे हैं। वो यहाँ पर इन्होंने जिक्र नहीं किया इसलिए हम भी उसको छोड़ रहे हैं। वक़द अरफ़्ता अहकाम अल-फ़िल इज़ा उस्निदा इला अल-मुअन्नस, और आपने पहचान लिया फ़ेल के अहकामात को जबकि इस्नाद की जाए फ़ेल की मुअन्नस की तरफ। फ़ला नुईदुहा, हम उसका इआदा नहीं करेंगे, हम उनको लौटाएंगे। यानी फ़ाइल अगर मुअन्नस हो, फ़ाइल अगर मुअन्नस हो तो फ़ेल को मुज़क्कर लाया जाएगा या मुअन्नस लाया जाएगा। इसके जो ज़ाबते हैं वो आप पढ़ चुके हैं, इसके ज़ाबते पढ़ चुके हैं, इसलिए मुसन्निफ़ कहते हैं कि अब हम उन्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ये सफ़ा नंबर 20 पर इसके ज़ाबते ज़िक्र किए गए। व इनकार फ़ाइल मुअन्नसन हकीकियन, है ना, फ़ाइल मुअन्नस हकीकी होगा या मुअन्नस गैर हकीकी होगा। अगर फ़ाइल मुअन्नस हकीकी है, अगर फ़ाइल मुअन्नस हकीकी है तो उसकी दो सूरतें हैं, फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान में फ़स्ल होगा या फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान में फ़स्ल नहीं होगा। अगर फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान में फ़स्ल ना हो तो फ़ेल को हमेशा मुअन्नस लाया जाएगा, और अगर फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान में फ़स्ल हो तो फ़ेल के मुज़क्कर और मुअन्नस लाने में इख्तियार होगा, जैसे ज़रब अल-यौमा हिंदुन, ज़रबत अल-यौमा हिंदुन। और अगर फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो, फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो तो उसकी दो सूरतें हैं, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा या फ़ाइल इसमें ज़मीर होगा, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा या इसमें ज़मीर होगा। अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल के मुज़क्कर मुअन्नस लाने में तंबीह इख्तियार है, जैसे तलाअश्शम्सु भी कह सकते हैं और तलाअतिश्शम्सु भी कह सकते हैं। और अगर फ़ाइल इसमें ज़मीर हो, फ़ाइल इसमें ज़मीर हो तो फ़ेल को हमेशा मुअन्नस लाया जाएगा, जैसे अश्शम्सु तलाअत, अश्शम्सु तलाअ नहीं कह सकते हैं। ये ज़ाबते मुसन्निफ़ ने सफ़ा नंबर 20 पर ज़िक्र किए हैं, देख लीजिएगा इनको अच्छे तरीके से। फ़स्ल अल मुसन्ना चला गया, ये इतने रहने दे, अल मुसन्ना इस्मुन उल्हिका बि आखिरिहि अलिफुन औ याउन मफ्तूहुन मा क़ब्लहा व नूनुन मकसूरतुन लियदुल्ला अला अन्न माहु आखिरा मिस्लहु नहवु रजुलानि व रजुलैनि हाज़ा फि सहीह अम्मल मकसूर فإن كانت ألفه منقلبة عن باب وكان ثلاثيا رد إلى أصله كعصوان في عصا وإن كان عن ياء أو واب وهو أكثر من الثلاثي وليست منقلبة عن شيء تقلب ياء كرحيان في رحى وملهيان في ملهى وحباريان في حبارة وحبليان في حبلا يهتك فرحيك إن شاء الله المسنى اسم तस्निया ऐसा इसम है, तस्निया ऐसा इसम है लाहिक किया गया हो जिसके आखिर में अलिफ, जिसके आखिर में अलिफ औ या ऐसा या मफ्तूहुम मा क़ब्लहा जिससे पहले हर्फ मफ्तू हो, व नून मकसूरा और नून मकसूर, उन्हें लाहिक किया गया हो जिसके आखिर में अलिफ या मा क़ब्ल मफ्तू और नून मकसूर, नून मकसूर। यह मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने तस्निया की तारीफ कर दी है कि तस्निया वो इसम है जो जिसके आखिर में अलिफ और नून मकसूर ज़ायद किया गया हो या मा क़ब्ल मफ्तू और नून मकसूर ज़ायद किया गया, और ये हालत रफ़ी में अलिफ और नून मकसूर ज़ायद किया जाएगा, हालत नसबी और जर्री में या मा क़ब्ल मफ्तू और नून मकसूर ज़ायद किया गया। क्यों ज़ायद करते हैं? लियदुल्ला अला अन्न माहु आखिर मिस्लहु, ताकि दलालत करे इस बात पर कि उसके साथ में एक दूसरा है जो उसी की तरह, उसके साथ में एक दूसरा है जो रजुलन एक आदमी, रजुलन एक आदमी। अब हमें ये बताना है कि रजुल के साथ में एक आदमी और है जो इसी की तरह, जो तो कैसे बताएंगे? रजुलानी, क्या कह दिया हमने? रजुलानी तो आदमी हो गया। अलिफ और नून हमने जब जाहिर कर दिया हालत रफी में, या रजुलैन हालत नस्बी और जर्री में, या बाकुल मफ्तू और नून मकसूर, तो अब क्या पता लग गया कि दो आदमी एक जैसे, दो आदमी एक जैसे। लियदुल्ला, ताकि दलालत करे, क्या दलालत करे? यानी अलिफ और नून का जायद करना, अलिफ और नून का जायद करना, बढ़ाना, ये दलालत करे इस बात पर कि उसके साथ में
एक और है जो उसी के मिसले है, जैसे रजुलानी और रजुलैन, रजुलानी और रजुलैन। हाज़ा फिस सहीह, ये तो सही में, ये तो सही में। अब आप समझे मुझे साहब, तस्निया की तारीफ क्या है? तस्निया वो इसमें है जो दो या दो से ज़्यादा पर दलालत करे, तस्निया वो इसमें है जो दो या दो से ज़्यादा पर दलालत करे। ये आपने तारीफ पढ़ी है, पढ़िए। तस्निया बनाने का कायदा क्या है? तस्निया बनाने का कायदा क्या है? मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कायदे जिक्र किए हैं यहाँ पर। पहला कायदा जिक्र किया है मुफरद मुनसरिफ सही और मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही का, मुफरद मुनसरिफ सही का और मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही का। मुफरद मुनसरिफ सही का जो ज़ाबता है वो ये है, मा उल्हिका बिआखिरिही अलिफुन, इस्मुन उल्हिका बिआखिरिही अलिफुन औ याउ मफ्तूह मा क़ब्लहा व नूनुन मकसूरतुन। ये जो ज़ाबता बयान किया मुसन्निफ ने तस्निया का, कि तस्निया वो जिसके आखिर में अलिफ और नून मकसूर जायद कर दिया गया, जिसके आखिर में अलिफ और नून मकसूर जायद कर दिया गया हो, लाही कर दिया गया हो, ये जो ज़ाबता है ये इसमें सही का है, ये इसमें सही का है। जैसे रजुलन से हमें बनाना है तो क्या बना दिया? रजुलानी बना दिया। इमरातन से बनाना है तो इमरातानी बना दिया। क्या बना दिया? इमरातानी बना दिया। किताब उनसे बनाना है तो किताबानी बना दिया। तिपाही से बनाना है तो बिनज़दा तानी बना दिया। ठीक है जी, तो ये जो है ज़ाबता जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है ये है मुफरद मुनसरिफ सही का, मुफरद मुनसरिफ सही का और मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही का भी, मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही का भी यही ज़ाबता है कि किसी भी इस्म के आखिर में आप अलिफ ज़्यादा कर दें और नून मकसूर ज़्यादा कर दें हालत नसबी में, या मा कौल मफ्तू ज़्यादा कर दें और नून मकसूर ज़्यादा कर दें हालत नसबी और जर्री में, तो तस्निया बन जाता है। क्या बन जाता है? तस्निया बन जाता है। लेकिन अगर कोई इस्म हो इसमें मकसूर, अगर कोई इस्म क्या हो इसमें मकसूर हो, तो अब क्या फ़ायदा होगा जी? अगर कोई इस्म इसमें मकसूर हो, इस मकसूर किसको कहेंगे? जिसके आखिर में अलिफ़ मकसूर, जिसके आखिर में अलिफ़ मकसूरा, तो उसके बनाने का ज़ाबता क्या होगा? इसके लिए समझ लें, इसके बनाने की दो सूरतें होती हैं, उसके बनाने की दो सूरतें। नंबर एक, वो अलिफ़े मकसूरा, वो अलिफ़े मकसूरा वाव से बदल करके आया है, वो अलिफ़े मकसूरा अगर वाव से बदल करके आया और वो कलिमा है तीन हरफ़, वो कलिमा है तीन हरफ़, अलिफ़े मकसूरा असल में क्या हो? वाव हो। अलिफ़े मकसूरा अलिफ असल में वाव हो, वाव से बदल करके उसको अलिफ बनाया गया, वाव से बदल करके उसको अलिफ बनाया गया। अब और वो जो करीबा है वो सुलासी, वो क्या है? सुलासी है, तीन हरफी वो करीबा है। अब ऐसे इस्म का अगर हमें बनाना है तस्निया, अगर हमें बनाना है तस्निया, तो ज़ाबता क्या होगा? तस्निया बनाने का ज़ाबता अब ये होगा कि वो जो अलिफ है, वो जो अलिफ है अलिफ़ मकसूरा, अलिफ़ मकसूरा उसको लौटाएंगे उसकी असल की तरफ। और असल में क्या था अलिफ़ मकसूरा? वाव था, असल में वाव था। तो इस अलिफ़ मकसूरा को डबल से हम क्या कर देंगे? वाव बना देंगे। क्या बना देंगे? वाव से बदल देंगे, ठीक है। और वाव से बदलने के बाद फिर इसके आखिर में अलिफ नून जायद करेंगे, फिर इसके आखिर में अलिफ नून, समझ में आ रहा है ज़ाबता? अगर अलिफ मकसूरा वाव से बदला हुआ है और कलिमा सुलासी और वो इसमें क्या है? सुलासी है, तो ज़ाबता ये है कि उस अलिफ मकसूरा को उसकी असल की तरफ लौटाएंगे यानी वाव से बदल देंगे और फिर आखिर में अलिफ नून जैसे असा, जैसे असा, ये असल में क्या था? असा गुल, असल में क्या था ये? असा गुल। अपने ज़ाबता पढ़ा है वाव मुतहर्रिक मा कौल मफ्तूह वाव को अलिफ से बदल देते हैं, वाव मुतहर्रिक को और उससे पहले फतहा हो तो वाव को अलिफ से बदल देते हैं, इसलिए इस वाव को हमने बदला अलिफ से। क्या हो गया ये? असा हो गया। क्या हो गया? असा, ठीक है, समझ गए। अब हमें इसका बनाना है तस्निया, तो क्या करेंगे तस्निया बनाते वक्त? इस अलिफ को दोबारा बनाएंगे हम क्या? वाव असाबुन। क्या हो गया? असाबुन हो गया दोबारा, फिर आखिर में अलिफ अलून ज़्यादा कर देंगे, क्या बन जाएगा? असा वानी, असा वानी बन जाएगा, ठीक है जी। दूसरा ज़ाब्ता सुनिएगा,
इसको देखो पहले है अम्बल मकसूर, बहरहाल इसमें मकसूर। फ़ैन कानत अलिफ़ू मुनक़लिबतन अलिवाविन, अगर उसका अलिफ बदला हुआ हो वाव से, वकाना सुलासियन, और वो इस्म सुलासी, वो इस्म क्या हो सुलासी, रुद्दा इला असलिही, तो उसको लौटाया जाएगा उसकी असल की तरफ, लौटाया जाएगा उसकी असल की तरफ। का असवानी फी असा, जैसे असवानी असामी। एक ज़ाबता हो गया इसमें मकसूर का। दूसरा ज़ाबता सुनिए, अगर इसमें मकसूर का जो अलिफ़े मकसूरा, जो अलिफ़े मकसूरा है वो वाव से बदल करके ना आया हो, या से बदल करके आया हो, किससे बदल करके आया हो या से, कलिमा तीन हर्फ है, कलिमा तीन हर्फ है, और अलिफ जो है वो वाव से बदल करके नहीं आया बल्कि या से बदल करके आया है, क्या कहा है या से बदल करके आया है। एक ज़ाबता तो क्या करेंगे इसको, या कर देंगे इसको, या कर देंगे, ठीक है सुनवा गई, तरतीब से बता रहा हूँ, इसमें और है लेकिन फिर बाद में इसको मिला लेंगे। अगर कलिमा सुलासी है, कलिमा सुलासी है और अलिफ या से बदल करके आ रहा है, किससे या से बदल करके आ रहा है, तस्लिया बनाते वक्त इसको क्या कर देंगे हम, फिर दोबारा यहाँ से बदल देंगे और अखीर वाली नून ज़्यादा कर देंगे, जैसे रहा, जैसे रहा, रह युन से बना, किससे बना है रह युन, रह युन के बना चक्की, युन के बना चक चक, इसका हमें बनाना है तस्लिया, तो क्या बनाएंगे रह यानी, क्या बनाएंगे रह यानी, यानी अलिफ जो था उसको दोबारा हमने यहाँ से बदल दिया और अखीर में अलिफ नून ज़्यादा। एक दूसरी बात समझ, अलिफ बदला हुआ है वाव से ही, अलिफ बदला हुआ है वाव से, जैसे कि मैंने इससे पहले कायदा बयान किया, लेकिन वो कलिमा सुलासी नहीं है बल्कि सुलासी के अलावा, सुलासी के अलावा, यानी रुबाई हो या खुमासी वगैरह कुछ, ठीक है, अलिफ बदला हुआ है वाव से लेकिन वो कलिमा सुलासी नहीं है बल्कि सुलासी से जाहिर है, सुलासी से जाहिर। अब भी यही ज़ाबता होगा, अब भी यही ज़ाबता होगा कि उसके अलिफ को या से बदल देंगे, उसके अलिफ को या से बदल देंगे, ठीक है, उसके अलिफ को या से बदल देंगे और फिर आखिर में अलिफ अलिफ ज़ाहिर कर देंगे, आखिर में अलिफ अलून ज़ाहिर कर देंगे, ठीक है। जैसे मलहा, जैसे मलहा, कितना हर्फ हो गए चार हर्फ, ठीक है, ये असल में मलहबुन था, क्या था मलहबुन, वाव से ही बदला है अलिफ को लेकिन कलिमा है चार हर्फ, कितना है चार हर्फ, इसलिए तस्मिया अगर बनाएंगे तो इस अलिफ को बदलेंगे हम या से और आखिर में अलिफ को जायद कर देंगे मलहयानी, क्या हो जाएगा जी मलहयान, दो चीज हो गई, ठीक है। तीसरी चीज सुनिएगा, अगर अलिफ ना तो वाव से बदला है ना या से बदला है, ना तो वाव से बदला है ना ही या से बदला, यानी अलिफ असली, अलिफ असली है, उसको किससे बदल करके आया ही नहीं है, अब क्या करेंगे, कह रहे अब भी या से बदल देंगे, अब भी या से उसको बदल देंगे, तस्लिया बनाते हैं हुबला, जैसे हुबला, इसका जो तस्लिया है वो अलिफ जो है वो किसी से बदल करके नहीं आया, लिहाजा जब इसका तस्लिया बनाएंगे तो हुबला यानी बनाएंगे, यानी अलिफ को या से बदल देंगे, या हुबारा, या हुबारा, इसका जो तस्लिया बनाएगा हम हुबारा यानी बनाएंगे, क्या बनाएंगे हुबारा, तो साथ को समझ आ गया। तो तीन सूरतें ऐसी हैं जिनमें अलिफ को या से बदला जाएगा, नंबर एक वो अलिफ या से ही बदला हुआ, कलिमा तीन अलिफ ही हो और अलिफ या से बदल करके आया, उस वक्त भी तस्लिया बनाते वक्त या से उसको बदल देंगे, जैसे रहा, जैसे रहा का अलिफ या से बदल करके आया है, तस्लिया बनाएंगे तो रहा रह यानी बनाएंगे, ठीक है। नंबर दो, अलिफ वाव से ही बदला हुआ, अलिफ वाव से ही बदला हुआ हो लेकिन कलिमा तीन हर्फ ना हो बल्कि तीन से ज़ायद, सुलासी से ज़ायद, रुबाई हो या खुमासी जो भी हो, ठीक है, तो अब भी क्या करेगा अलिफ को या से बदल देंगे, जैसे मलहा, जैसे मलहा का अलिफ असलन वाव से बदल करके ही आया है लेकिन चूंकि चार हर्फ की कलिमा है इसलिए तस्लिया बनाते वक्त इस वाव को अलिफ को किससे बदलेंगे या से बदलेंगे, मलहया बनाएंगे। नंबर तीन, वो अलिफ ना तो वाव से बदला हो ना ही या से बदला हुआ हो, तो अब भी क्या ज़ाबता होगा कि उस अलिफ को या से ही बदल देंगे, तस्लिया बनाएगा।
आगे जाते सुन ले, तो इसमें मकसूर के दो ज़ाबते मुसन्निफ ने जिक्र किए हैं। कितने? दो ज़ाबते मुसन्निफ ने जिक्र किए हैं। अगर अलिफ जो है उसका वाव से बदला हुआ है और कलिमा तीन हर्फ है, कलिमा तीन हर्फी है, तो उस अलिफ को तस्निया बनाते वक्त क्या करेंगे? वाव से ही बदल देंगे। और अगर कलिमा और अगर वाव या से बदला हुआ हो या वाव से ही बदला हो लेकिन कलिमा तीन हर्फ से जायद, कलिमा तीन हर्फ से जायद, या अलिफ जो है किसी से भी बदला हुआ ना हो, तो इन तीनों सूरतों में क्या करेंगे? तस्निया बनाते वक्त अलिफ को या से बदल देते हैं और आखिर में अलिफ और नून जायद कर देते हैं। अम्मल मकसूर, बहरहाल इसमें मकसूर, बस अगर उसका अलिफ बदला हुआ हो वाव से वकाना सुलासियन और वो सुलासी हो तो लौटाया जाएगा उसकी असल की तरफ जैसे आसावानी आसामी, और अगर बदला हुआ हो या से या वाव से बहुआ अक्सर मिन सुलासी और वो सुलासी से जायद, ये सुलासी से जायद होने की जो कैद है ये सिर्फ वाव के लिए है, ये वाव के लिए कैद है बस, यानी वाव से बदला हो और कलिमा सुलासी से जायद हो तो उसको या से बदला जाएगा। ठीक है, अगर वाव अलिफ जो है या से ही बदला हुआ है तो सुलासी के अंदर भी वही ज़ाब्ता फिर या से बदला जाएगा। ठीक है, या किसी से भी नहीं बदला हुआ है तो सुलासी के अंदर भी वही कायदा होगा कि उसको या से बदला जाएगा। हाँ, वाव से अगर बदला हुआ है तो सुलासी का कायदा अलग हो गया, रुबाई का कायदा अलग। ठीक है, अगर वाव से अलिफ को बदला गया है तो सुलासी का कायदा क्या है कि उसको वाव से ही बदला जाएगा, उसको वाव से ही बदला जाएगा जैसे असामे, और अगर सुलासी नहीं है तो फिर या से बदला जाएगा जैसे मलहमे। ठीक है, वही कैनत अनियाय, और अगर बदला हुआ हो या से या वाव से वह हुआ अक्सर मिन सुलासी और वो सुलासी से जायद हो, औ लैसत मुनक़लिबतन अनशन, या किसी से भी बदला हुआ ना हो तो या से बदल दिया जाएगा जैसे रहयानी रहा में और मलहयानी मलहा में और खुबारयानी खुबारा में और खुबलयानी